की राजनीति के लिए चहलुम के छुट्टी 6 सितंबर को कर दिए और अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी, उस छुट्टी को रद्द कर दिए। सनातनियों का यह चंदन है, इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सनातनी और पुरातन सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हो के चुनाव लड़े, क्योंकि मुस्लिम उनके साथ से हट रहा है। मुस्लिम नरेंद्र मोदी के साथ 25-30% जाने के लिए तैयार है, इसलिए तैयार है। उनको हर चीज़ दुख सुख में, वो कोरोना काल में मोदी जी ने काम किया, उनके विचारों और उनको दुख दर्द में रहे, इसलिए मुसलमानों के लग रहा है कि वोट कहीं मोदी जी के पक्ष में जा रहा है, इसलिए ये अगर वापसी नहीं होती। यूनिवर्सिटी इग्नू से सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी बड़हरिया थाना पर है। आप सबको पता है के पाठक और नीतीश कुमार का जो सरकार, उसमें लगातार एजुकेशन में परिवर्तन किया जा रहा है ताकि बेहतर किया जा सके। उसके खिलाफ लगातार आप देख सकते हैं अलग अलग चौक चौराहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बड़हरिया थाना पर अभी अलग अंदाज की टीम है। ये देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार जी का पुतला को फूंका जा रहा है, जो आप सबको पता है 14 छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, जिसके वजह से लगातार सिवान में अलग अलग जगहों पे, कल हम लोगों ने सिवान के जेपी चौक पे हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से पुतला दहन किया गया था। आज ये बड़हरिया के जितने सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा ये पुतला को दहन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं। नीतीश कुमार जी अपनी पूरी लाज हया जो है वह रख दिए हैं, अब उन्हें डूब मरना चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए चहलुम के छुट्टी 6 सितंबर को कर दिए और अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी, उस छुट्टी को रद्द कर दिए। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जब बढ़िया काम करने लगे तो भाजपा के लोग इसका विरोध करने नहीं लगे। कौन सा बढ़िया काम है? बढ़िया काम छुट्टी देना, बंद करना बढ़िया काम है? बढ़िया काम है अच्छी पढ़ाई देना, अच्छी व्यवस्था देना, हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय को जाएं, अच्छी पढ़े। पढ़ाई नहीं होती है, जनगणना तो करिए रहे हैं, आप बताइए, पशु गणना करिए रहे हैं। नहीं, जो प्राइमरी स्कूल था वो मिडिल हो गया, जो मिडिल था वो हाई हो गया, जो हाई था वो प्लस टू हो गया। और शिक्षक प्राइमरी के मिडिल में पढ़ाएंगे और प्राइमरी जो कमरा है उसे मिडिल स्कूल के बच्चे पढ़ पाएंगे? कमरा भी नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को समृद्धि आनी चाहिए, जो अपने अधिकारी के बैठक के माध्यम से सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल करा है, जन्माष्टमी छुट्टी कैंसिल करा है, तीज हमारी बहनों का तीज बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो हमारे शिक्षिका बहनें हैं उनका छुट्टी रद्द कराए, अयोध्या की छुट्टी रद्द कराए, दशहरा में छुट्टी जो है शॉर्ट कर दिए, 2 दिन का कर दिए, दीपावली से छठ तक जो छुट्टी था भैया तो उसको बंद कर दिए, रद्द करा दिए, छठ में भी छुट्टी 2 दिन करा दिए। और नीतीश कुमार जी हिंदुओं को कितना अपमान करेंगे, सनातन धर्म वालों लोगों को कितना अपमान करेंगे? और वही देखिए चहलुम का छुट्टी है, ईसा मसीह का छुट्टी है, छुट्टी है दो चार को नहीं, कुछ मतलब नहीं है, कम है या बेसी है। इस राज्य में जो है वो सांप्रदायिक तनाव करना चाहते हैं, इस राज्य में भावना भड़काना चाहते हैं। इस छुट्टी के खिलाफ तो हमारे मुसलमान भाई भी हैं, वो भी कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी वर्ग के लोग निंदा कर रहे हैं कि छुट्टी सबका होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है। जो पहले से छुट्टी है उसे कैंसिल करने का क्या मतलब? उसे तो कैंसिल होना ही नहीं चाहिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया, वोट बैंक की राजनीति के लिए। चहलुम कोई पर्व नहीं है, उस पर्व के लेकर छुट्टी कर दिया गया और भगवान कृष्ण का अंतर्राष्ट्रीय महापर्व है, अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी है, उसको रद्द कर दिया गया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब सठिया गए हैं, अब उनका जाना तय है। 24 में तो 400 सीट जाएगा ही जाएगा, 25 में भी उनको दर्शन नहीं होगा सीट का, यानी 24 में पीएम हमारे नरेंद्र मोदी होंगे, 25 में सीएम भाजपा का ही कार्यकर्ता होगा। मांग क्या है आप लोगों का? मांग यह है कि छुट्टी फिर से बहाल करें, हिंदू धर्म को अपमान करना बंद करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग सड़कों पर फिर से आंदोलन करेंगे और नीतीश कुमार जी के पोल खोल करेंगे कि वोट की राजनीति के लिए, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा एक काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज जो है उनका पुतला दहन किए हैं सांकेतिक रूप से, फिर आने वाले दिनों में हम लोग सड़कों पर आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आज आप पुतला दहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का? एकदम सब लोग तन मन धन से, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग लगे हुए हैं।
एक ही चीज़ जिसका दर्शाता है नीतीश कुमार जी को, लगता है यही कि हम हिंदू मुस्लिम करें, भाजपा पे ये दोष देते हैं, लेकिन खुद आज हिंदू मुस्लिम के पक्ष लेकर एक समुदाय वर्ग के लोग को छुट्टी कैंसिल करना उनका मानसिकता बन चुका है, और वो चाहते हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम ही हो के चुनाव लड़े, क्योंकि मुस्लिम उनके साथ से हट रहा है। मुस्लिम नरेंद्र मोदी के साथ 25-30% जाने के लिए तैयार है, इसलिए तैयार है, उनको हर चीज़ दुख सुख में, वो कोरोना काल में मोदी जी ने काम किया, उनके विचारों और उनको दुख दर्द में रहें, इसलिए मुसलमानों के लग रहा है कि वोट कहीं मोदी जी के पक्ष में जा रहा है, इसलिए ये अगर वापसी नहीं होती है तब क्या करेंगे? वापसी नहीं होगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और हम लोग के साथ सारे बिहार के लोग, जनता और सभी लोग चाहते हैं कि एक छोटी माननीय भाई बहन का कलाइयों का एक त्यौहार सदियों से आता चला आया, उसको वो बंद कर दिए हैं। आज बहने जो टीचर हैं उनसे जाकर पूछिए कि उनका दर्द क्या होता है, एक भाई से पूछिए जो टीचर एक दूसरे जगह जाना चाहता है उसका दर्द जानिए, तब आपको समझ में आता है नीतीश कुमार कोई दर्द और दुख नहीं जानते हैं कि एक भाई और बहन का दर्द क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम में काहे नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं लेकिन धरातल पर हो, और पढ़ाना लिखाना आप लोग भी समझते हैं कि पढ़ाना लिखाना कैसे होता है, ये छुट्टी का आप जो वर्षों से आ रहा है, इतिहास काल से आ रहा है छुट्टी, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, ये क्या मतलब है? आप तो सीधा दर्शा रहे हैं कि आप तो हिंदू मुस्लिम खुद करना चाहते हैं, आपसे मुसलमान भाग रहा है। आज के डेट में चैनल पर देखिए हिंदुस्तान का पाकिस्तान के लोग भी मोदी को मान रहा है, आज हिंदुस्तान में 30-40% मुसलमान वोट मोदी को देने जा रहे हैं, इसलिए इनको डर है कि आज हम नहीं बंद करते हैं हिंदू धर्म का छुट्टी और नहीं जागरूक होता है तो हमको मुसलमान हो सकता है कि हमसे भाग जाए, इसलिए ये कर रहे हैं, और आगे चल के उनके लिए बहुत कठिनाई के सामना करना पड़ेगा। लोग सजाग चुके हैं, समझ चुके हैं, विकास के लिए लड़ेंगे, और ये जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं नीतीश कुमार, इस पे लोग कोई वोट देना नहीं जा रहा है। क्या कहिएगा? ये जो नीतीश कुमार जी छुट्टी किए हुए हैं, यह सरासर उनकी गलत है, उनकी तनाशाही है, हिटलरशाही है, वह मैंने हिंदू विरोधी उनकी मानसिकता हो गई है। बिहार में वह पहली बार ऐसा किए हैं कि उनकी अपनी अब सूझबूझ उनके पास नहीं है, वो मेमोरी लॉस हो गए हैं, क्या कल करेंगे, आज क्या कर रहे हैं, उनको अपनी कोई अब विवेक नहीं है। क्या कहिएगा अध्यक्ष जी, आज तो पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी का? जी आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बड़हरिया थाना चौक पर पुतला दहन किया गया, तो सनातनी और पुरातन सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो विगत रक्षाबंधन का त्यौहार बीता, और उस रक्षाबंधन के त्यौहार में और बच्चे स्कूल में नहीं गए, यह बच्चे बच्चियों का भाई बहनों का त्यौहार था, लेकिन शिक्षक को लगा दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए कि शिक्षक बहाली में IAS और IPS का क्वेश्चन शिक्षकों पर लादा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है, गलत संगत में चला गया है, और प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार तो भूल ही गए हैं, पूरा बिहार बर्बादी के तरफ है। संयोजक बनाए जा रहे हैं? नहीं, संयोजक बनते तो हम लोग को खुशी होता, भारतीय जनता पार्टी कतई किसी को ऐसा नहीं सोचती है, बिहार के हैं, अगर संयोजक बनते, प्रधानमंत्री बनते, बिहार वासियों को कोई तकलीफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि बनते, बनेंगे नहीं क्या? नहीं, बनने का कहीं कोई उम्मीद नहीं है, पिछली पंक्ति में उनको रख दिया गया है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, और बड़हरिया ऐसा प्रतीत होता है कि जो जंगल राज वापस आ रहा है वैसा पूरा बिहार में है, तो छुट्टी जहाँ तक रद्द हुआ है, हमको यह कहना है इस आपके माध्यम से कि हर हाल में छुट्टी जो है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि छुट्टी अगर बहाल नहीं होता तो सनातनी सभ्यता और संस्कृति विनष्ट हो रहा है, और हम लोग तो बड़हरिया जो है पुतला फूंकी दिए, इनकी अंतिम यात्रा बनने नहीं जा रहे हैं, जो है वही उनके लिए जो है काफ़ी रहा, वो भी भाजपा के सहारे बने, हमारे नेता जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया था नया बिहार नीतीश कुमार, हम लगे थे तब जाके बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसी जंगल राज के खिलाफ वोट मांगे, आज उसी जंगल राज के गोद में चले गए हैं, और पूरे जगह अपराध बढ़ गया है, अपराध चरमों सीमा पर है, और नीतीश कुमार जी अपराध के मुद्दे को भटकाने के लिए विकास पर बात नहीं कर रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं कि राज्य में मुद्दा कैसे भटकाया जाए, इसलिए अपने अधिकारियों को जो है प्रोत्साहित करके ऐसे छुट्टी जो है दिवाए हैं, बंद कराए हैं, और कि राज्य में जो है
सांप्रदायिक तनाव बढ़े, राज्य में जो है व्यवस्था बढ़े, राज्य में भाईचारगी खत्म हो जाए, फिर भी उसके बाद ये सूची संख्या आप कह रहे हैं कि दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं, बीपीएससी का पेपर हुआ, नौकरी मिलेगा कई कई हजार लोगों को, कुछ नौकरी नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी जी बोले थे कि पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे, उनका कई कैबिनेट बीत गया, कहाँ उनकी रोजगार गया, कुछ नौकरी नहीं मिलने वाला है बिहार के लोगों को। ये लोग लाठी में तेल पिलाते थे, फिर लाठी में तेल पिला रहे हैं, अपराध अपराधियों की सरकार बना दिए हैं, बिहार में अपराध चरमों सीमा पर है, अपराध के मुद्दों को भटकाने के लिए नीतीश कुमार जी ये सोची समझी राजनीति है, सनातन धर्म की छुट्टी कैंसिल कर दिए हैं कि लोग रोडों पर रहेंगे, विरोध करेंगे, अपराध क्यों ध्यान नहीं जाएगा, ये सोची समझी राजनीति है कि बिहार की जनता जाग गई है। यह चाणक्य की धरती है, यह रावट की धरती है, चंद्रगुप्त की धरती है, यह मौलाना मजलूहक की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, सब लोग जाग चुके हैं और नीतीश कुमार का सफाया तय है। 24 में तो उनको एक सीट नहीं मिलने वाला है, महागठबंधन को एक सीट नहीं मिलेगा, जीरो पर आउट होंगे, 400 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगी और 25 में भाजपा का ही सीएम होगा। लालू जी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ के 40 में 40 ले लेंगे। लालू यादव जी जो खुश रहता है, जो पैरल पर हैं, वो क्या नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ेंगे, जनता उनके नट्टी पर चढ़ गई है, जीरो पर आउट हो चुके हैं, रोक दिए हैं, वो अलग समय था, आज अलग समय है, जनता उनको जीरो पर आउट कर दी है और राजद की एक भी सीट नहीं है, जदयू के जो 16 सीट है वो भाजपा के सहारे है और 24 में महागठबंधन जीरो पर आउट होगा, जीरो पर, 400 सीट हमारे खाते में जाएगा। क्या कहिएगा, गोरखपुर से आए हैं क्या, पूरा भगवामय है, एकदम पगड़ी उगड़ी बांधे हैं, पुतला दहन किए नीतीश जी का, डर नहीं लग रहा है केस कर देंगे आपको? भैया ऐसा है ना, आपके चैनल से ही बता दूं कि ये धरती जो है ना, ये देश जो है ना, सनातनियों का है और जब तक सनातन है तब तक ये दुनिया, ये धरती है। नीतीश कुमार जो अपना जुगलबंदी कर रहे हैं, तो उनके पहले बात करने के पहले मैं एक बता दूं कि चंदन है इस देश की माटी, जहां राम ने अवतार लिया है, जहां कृष्ण ने अवतार लिया है, उस छुट्टी को इन्होंने कैंसिल कर रहा है, बदलाव कर रहा है इस छुट्टी में। तो सनातनियों का यह चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ जितने भी पब्लिक है, जनता है, ये सभी राम कृष्ण के रूप में हैं। ये जो छुट्टी का एक नया बखेड़ा खड़ा किया, नहीं कैंसिल करेंगे छुट्टी, छुट्टी वापस नहीं लेंगे, नहीं करेंगे तो समझिए कि यह आज हम लोग सांकेतिक जो है कि पुतला दहन किया है, ये बहुत विकराल रूप लेगा। पूरे बिहार हिंदू सनातन धर्म के लोग जब जाग जाएंगे तो उनका जो है क्या कि यहाँ रहना कठिन हो जाएगा, मृत्युप्रायण के तरफ उनको जाना। आप आंदोलन करेंगे, आप पर केस करके जेल भेज दिया जाएगा। केस तो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा लेकर के आडवाणी जी चले थे, तो हमारे जब केंद्रीय स्तर के नेताओं पर हो जाता है तो हम लोग